नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एंड व्यूज। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की भारत बचाओ रैली में राहुल गांधी लंबे समय बाद फिर से पुराने अंदाज में नजर आए। राहुल गांधी के यह अंदाज बता रहा है कि कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर एक बार फिर से वो अपने कंधों पर उठाने को तैयार। राष्ट्रवाद के इतर देश की बड़ी आबादी, गिरती अर्थव्यवस्था से मुल्क हलकान है। रामलीला मैदान से राहुल गांधी ने देश की सत्ता को सीधा संदेश दे दिया है कि जनहित के मुद्दों पर कांग्रेस अब आक्रामक मूड में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से संभाल सकते हैं कांग्रेस की कमान? इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले सत्ता से बाहर लेकिन कुछ समय से अपनी ताकत को मजबूत कर रही कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान में दहाड़ मार रही थी। रामलीला मैदान में देश भर से आए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का उत्साह और हौसला देखने लायक था। राहुल गांधी के भाषण ने इस जोश में और जान फूंक दी। मेरा नाम राहुल गांधी है, मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया? इन प्रदेशों में हम सही एमएसपी क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्थव्यवस्था आगे जा ही नहीं सकती। पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार बड़ी रैली में राहुल का ये अंदाज और ये तेवर देखकर कांग्रेस मुक्त का सपना देखने वाली बीजेपी नेताओं के माथे पर भी सर्दी में पसीना आ गया। प्रदेश में बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस ने भारत बचाओ इस रैली का नाम दिया, लेकिन बेहतर होगा कि अशोक गहलोत जी 365 दिन का आकलन कर लें। 17 तारीख को जश्न की बेशक तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम राजस्थान को बचाने की जरूर कोशिश करें। दरअसल ये माना जा रहा है कि रामलीला के मैदान से कांग्रेस की हुंकार राहुल की वापसी का संकेत है। वैसे भी इस रैली से पहले कई नेताओं ने इस बात के संकेत दे दिए थे। सबसे पहले राजस्थान के सीएम गहलोत को सुनिए। ये बात मैं कह चुका हूं कई बार, मोदी जी से और अमित शाह जी से मुकाबला करने का दमखम और साहस किसी में है वो राहुल गांधी का। हालांकि सियासत में ऊंट किस करवट बदलती है इसकी खबर किसी को नहीं लग पाती, लेकिन राहुल रिटर्न होने वाले हैं इसकी संभावना, इसके कयास भी जताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो क्या राहुल गांधी की एक बार फिर से उन्हीं आक्रामक तेवर के साथ वापसी होने जा रही है और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की क्या एक बार फिर से वो संभालने जा रहे हैं? अध्यक्ष पद से इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया था, सोनिया गांधी अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रही हैं, लेकिन क्या एक बार फिर से चेहरा जो है वो राहुल गांधी का ही सामने होगा? इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि तेवर आज राजधानी दिल्ली में रामलीला मैदान में कांग्रेस के और खास तौर पर राहुल गांधी के देखने को मिले हैं, और क्या जो चुनौती है वो सीधे तौर पर बीजेपी को राहुल गांधी दे पाएंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय यहां पर कराते हैं, अजय वर्मा साहब है हमारे साथ यहां पर कांग्रेस की तरफ से, संदीप जी है पॉलिटिकल एक्सपर्ट है हमारे साथ, ओम सैनी साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सुमन शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत में कर रहा हूं अजय वर्मा जी आपसे सीधा सवाल, आज के जो तेवर हमने देखे हैं रामलीला मैदान में राहुल गांधी के, तो एक बार फिर से राहुल रिटर्न हो रहा है? देखिए चौहान साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये देश में सामान्य हालात रिटर्न होने के संकेत है, ये उसकी सुगबुगाहट है, उसकी आवाज है। आज जो मैंने काला कोट पहना है और ये गले में जो तिरंगा है, ये इसलिए है कि ये जो बीजेपी की सरकार देश में सर्टिफिकेट बांटने का काम करती है, तो वो बंद करे देशभक्ति के और राष्ट्रभक्ति के। और काला
कोट इसलिए पहना था मैंने आज इस रैली में जो काले गुब्बारे उड़ाए कि देश के हालात बेरोजगारी पर, रोजगार पर, काले धन पर, महिलाओं के हालात पर, उनके साथ जो रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, जीडीपी पर, देश के व्यापार पर, छोटे व्यापारी पर, काले धन पर, और जो विभिन्न मुद्दे थे जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, जो हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका जी ने, और हमारे लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने समय समय पर उठाकर देश को जनता को बताना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल विंडक्टर एजेंडा यह है कि ये ध्यान आकर्षण करने के लिए कभी सीएबी पर चर्चा कर देते हैं इन मुद्दों से बचने के लिए, कभी एनसीआर ले आते हैं, कभी आर्टिकल 70 ले आते हैं 300, कभी 35 ले आते हैं, और रेप जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा नहीं करेंगे। मोदी साहब अगर कोई चीज 2012-13-14 में और एक कॉन्फिडेंस वापस आ गया ना बिना तमाम मुद्दों को लेकर उनका सामना करते हैं राहुल गांधी का, जो रिटर्न यहां पर आ रहा है चौधरी साहब, और रेप है मतलब मोदी कहे तो चमत्कार, और कांग्रेस या अन्य कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहे तो वो बलात्कार, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। सुमन शर्मा जी ने इस पर रिएक्शन दे दी थी, यानी कि राहुल गांधी अब चुनौती देने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, मोदी शाह की जोड़ी को टक्कर अब राहुल गांधी से मिलने वाली है। देखिए राहुल जी को हमारी बहुत सारी शुभकामना सदैव रही है। राहुल जी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही लक्की चाम है। वो जितनी मजबूती से, जितनी बहादुरी से और जितने एंग्री यंग मैन के मूड में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बहुत लाभ होता है। तो हमें बहुत प्रसन्नता है, हमें पसीने नहीं आए हैं। जहां तक अभी कांग्रेस के एक भाई मेरे कह रहे थे आपके चैनल पे, अभी मैंने सुना कि उन्होंने आज काला कोट पहना है, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि महाराज आज शनिवार है, सब लोग काले कपड़े पहनते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। मैंने भी काला शॉल ओढ़ा है क्योंकि आज शनिवार, देश के लिए काला कपड़ा लगने वाली है, देश की सरकार को जो दानाशाही लागू कर रही है। सुनिए 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 सुनिए, कांग्रेस के लोग किस मुंह से भारत बचाओ आंदोलन की बात करते हैं, मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। जिन्होंने देश को 50 साल में किस हालात में ले गए, आज वो भ्रष्टाचार पे बात करते हैं, आज वो महंगाई पे बात करते हैं, आज वो देश की अर्थव्यवस्था पे बात करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। देश को 50 साल जिन्होंने लूटा, उसी का परिणाम है कि देश की इस तरह की स्थिति हो रही है। ये ये कांग्रेस का कहना है कि कम से कम विपक्ष के तौर पर एक चेहरा जो है ऐसा जो कम से कम मोदी और शाह की जोड़ी को टक्कर दे सके, वो एक बार फिर से तैयार है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। 7 महीने के बाद जो पार्टी को झटका लगा था वो एक बार फिर से पूरे तेवर के साथ वापस आ रही है, एंग्री यंग मैन की छवि के साथ राहुल गांधी को एक बार फिर से लेकर। सैनी साहब आपसे जा रहा हूँ, राहुल गांधी का जो तेवर आज देखने को मिले हैं तो लगता है कि जो 2019 के चुनाव में एक आघात लगा उससे एक बार फिर से कमबैक की पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। सुमन जी वापस आपके पास आऊंगा, जी कागज फाड़ा है उन्होंने, जी वापस आपके पास आऊ। सैनी साहब देखिए कुल मिलाकर के राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी आज सभा में बोले वो सुनकर के और टू द पॉइंट जिस तरीके से बोले हैं वो बड़ा अपील करने वाला रहा। लेकिन साथ साथ में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि ये रुझान बदलना चाहिए कि साहब जब तक राहुल गांधी नहीं आएंगे तब तक कुछ होगा नहीं। कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, उसका अपना उसकी बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, इतिहास है, जिसके माध्यम उसकी लोकप्रिय नीतियां रही हैं जिनके माध्यम से इस देश में शासन किया। वो कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके लिए यही सब बैकग्राउंड काम करेगा। हाँ। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से बात की है मैं समझता हूँ कि उससे ज्यादा प्रभावी मुझे लगी सोनिया गांधी। ठीक। वो मुझे लगा कि जैसे कि जो नरेंद्र मोदी जिस तरह की भाषा बोलते हैं और जिस तरीके से लोगों को अपने साथ में जोड़ने की चेष्टा करते हैं, आज सोनिया जी ज्यादा प्रभावी लगी, वो जोड़ रही थी। एक तो आह्लादित होकर के राहुल के बोलने को लेकर के लोग प्रसन्न रहे इसलिए उनकी बात हो रही है, लेकिन मुझे ये लगा कि आज की रैली में इश्यूज को, मुद्दों को जिस तरीके से सोनिया जी ने रेज किया और लोगों के साथ में अपने आप को जोड़ा और लोगों का सहमति में जो उनके साथ साथ बोलना रहा वो बड़ा प्रभावी रहा। यानी वो कनेक्टिविटी अभी जरूरी है कि वो लोग जो है वो अपने आप को तमाम मुद्दों को लेकर सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ जो है जोड़ पाए। बहुत जरूरी है। आपको लगा जो है संदीप चौधरी जी कि आज वो इम्पैक्ट जो है राहुल गांधी छोड़ पाए कि एक बार फिर उम्मीद की जाए और कॉन्फिडेंस जो है वो कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं 2019 के बाद जो लोकसभा चुनाव हुए उसके बाद खुद को मायूस महसूस कर रहा था उसमें कॉन्फिडेंस आएगा राहुल गांधी को देखकर आज? देखिए सुमित भाई मैं आपको बताऊं, आज जो नोटिस करने वाली चीज थी वो ये थी कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने बोला, जिस तरीके से सोनिया गांधी ने बोला और जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बोला शुरुआत में, तो ये जो एक कॉम्बिनेशन था ये वाकई देखने लायक था। कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं में उन्होंने ऊर्जा भरने का काम किया, लेकिन हम राहुल गांधी को पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख चुके हैं, सोनिया गांधी को भी हम पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख चुके हैं, और फिर से बात घूम के वहीं पे आ जाती है कि फिर से सोनिया गांधी को चार्ज मिल जाता है और फिर से राहुल गांधी को
चार्ज मिल सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चीजें वही घूमनी है। और इसमें गांधी परिवार की, कांग्रेस की, आप समझिए एक मजबूरी है, मजबूरी है कि जितने भी नेता हैं वो गांधी परिवार के झंडे के नीचे तो अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, परफॉर्म करते हैं और संगठित महसूस करते हैं, लेकिन यही जिम्मेदारी अगर किसी और के पास चली जाती है, पहले देख चुके हैं कांग्रेस का हाल, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस टूटना शुरू हो जाती है उसी दिन से। तो अभी कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी चीज ये है, एक तो जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी में एक ऐसा अध्यक्ष होना चाहिए जो कांग्रेस संगठन को संभाल सके। कांग्रेस संगठन को संभालना ही अपने आप में एक चुनौती है। दूसरे, एक ऐसा बंदा साथ में चाहिए, ऐसा नेता साथ में चाहिए जो रणनीति बना सके। जिस तरीके से पहली बार में बहुत लंबे टाइम के बाद कांग्रेस की ऐसी रणनीति मैंने देखी कि जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद, राम मंदिर के बाद और कैब के बाद, एक ऐसा वर्ग है देश के अंदर जिसके अंदर कहीं ना कहीं एक उबाल था, तो सबसे पहले उस वोट बैंक को, उस उबाल को ये रैली करके ये साबित करने की कोशिश की कि ना मायावती आपके साथ है, ना मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी आपके साथ है, ना ओवैसी आपके साथ है, सबसे पहले आपका नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस पार्टी और हम तैयार हैं। तो ये एक मैसेज कांग्रेस कहीं ना कहीं करने की कोशिश थी। यहाँ पर राहुल गांधी जिस तरीके से वापस के दौर में यहाँ पर आए, और 2014 की बात करेंगे तो यही पार्टी थी जिसे 9 महीने लग गए थे सदमे से उभरने में, और कांग्रेस पार्टी ने अब 2019 के चुनाव में कम से कम जल्दी कमबैक यहां पर करता हुआ जो है वो नजर आए हैं। सुमन शर्मा जी, आपने कहा कि पसीने जो है वो बीजेपी को यहां पर नहीं आ रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां कांग्रेस की है, तमाम मुद्दों को लेकर सोनिया गांधी सवाल पूछ रही है, प्रियंका गांधी सवाल पूछ रही है, और राहुल गांधी इस बार तो तिगड़ी के साथ आप लोगों पर हमला है। देखिए, मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की स्थिति तो ये है कि तू चल मैं आई या तू चल मैं आया। पहले राहुल जी गए, फिर सोनिया जी आई, और अभी रीलॉन्चिंग का जो ड्रामा चल रहा है, तो डरने की, घबराने की कहीं बीजेपी को जरूरत है। बीजेपी अपने परंपरागत तरीके से, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस पार्टी है और एक इथिक्स पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है उस पर है, और हमारी सरकारें भी जहां है वहां हम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बात जहां तक है, जिसपे वो सवाल उठा रही थी, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, चाहे राहुल गांधी, आप देखिए इन तीन के अलावा कांग्रेस में तो कोई है नहीं, माँ बाप बेटे जो भी लोग हैं यही लोग थे, तो इनके सवालों से हमें घबराना नहीं है। किस मुंह से, मैं पहले भी बोली फिर बोली कि किस मुंह से ये सवाल कर रहे हैं। प्रियंका शायद यंग है, उनको पुराना इतिहास कांग्रेस का भूल गई है वो। राहुल को भी उनके तो सीधे से सवाल थे, सोनिया गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने पूछा कि नोटबंदी पर सरकार जवाब दे दे, इसलिए बता दे कि जिस काले धन की बात कर रही थी सरकार, वो कितना काला धन लेकर यहां पर आई है। उनका ये कहना था कि जो 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 तमाम चीजें अभी तक तमाम मामले खुलासे में उनकी जांच हो जाए, अगर रेप के मामले को लेकर सबसे बड़ा बवाल इस वक्त हो रहा है, तो रेप के मामले को लेकर कैपिटल जो है रेप की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं, उस पर स्मृति ईरानी जो है हमला नहीं बोलती है, इन तमाम चीजों को लेकर जवाब मांगा, नहीं लगता है कि सुमन शर्मा जी अब इस पर आकर आपको, आप लोगों को डिफेंसिव ना होकर फ्रंट पर आकर खेलना चाहिए। देखिए, रेप इन इंडिया बोल के वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं ये आप भी समझते हैं, और सारे दर्शक और जो लोग सुने हैं ये समझ रहे हैं कि आप रेप इन इंडिया कहके पूरे हिंदुस्तान की स्मिता को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। नहीं, क्या मैसेज दे रहे हैं पूछ लीजिए ना, अजय वर्मा साहब से पूछ लीजिए, बताइए अजय वर्मा साहब क्या मैसेज दे रहे हैं। ये मैसेज दे रहे हैं रेप इन इंडिया का क्या मतलब है, हिंदुस्तान के जो तमाम लोग हैं क्या वो रेपिस्ट है, या फिर इन्विटेशन दे रहे हैं मेक इन इंडिया की तरफ पर, पूछ लीजिए ना सुमन शर्मा जी, रेप को कैसे, अजय वर्मा जी बैठे हैं यहाँ पर, पूछिए उनसे, वो बताएंगे कि क्या मतलब है इसका। समझ में आता, क्या वो भूल गए क्या कि तंदूर कांड उनके जमाने में ही कांग्रेस के लोगों ने अंजाम दिया था, राजस्थान में चार चार मंत्री इनके रेप केस में इन्वॉल्व थे। कोई नहीं भूला, नहीं सुमन जी, कोई नहीं भूला, ठीक है, अजय वर्मा बताइए, बताइए जल्दी से बताइए। चौधरी साहब, ये हालात सुन ले जरा, ये हालात ये है, बीजेपी की महिला नेताओं की संवेदनाएं मर चुकी है। वो स्मृति ईरानी जो इतने संसद में मुंह फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, वो उस वक्त नहीं चिल्लाई, थोड़ा वो उस वक्त नहीं चिल्लाई जब प्रियंका रेड्डी का रेप हुआ, मर्डर हुआ। मैं नहीं कह रहा, एडीआर की रिपोर्ट ये कहती है आज कि बीजेपी के 21 वर्तमान सांसद महिलाओं से संबंधित मामलों में और रेप से संबंधित मामलों में कोर्ट में लंबित है। ये सरकार जो है आखिर किस बात का दिखाना चाहती है। मैं समझता हूँ कि बीजेपी की महिलाओं को, उन 6 वर्ष की बच्ची से लेकर 70 साल की महिलाओं तक हर स्टेज पर रेप हो रहा है, उसकी रेप की दर बढ़ी हुई है, और एडीआर की रिपोर्ट उठाइए। मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये सरकार घर
मंदी आकर्षण करने में मस्त है, अपने गुस्से के नाम पर हिंदू मुस्लिम इससे रोजगार मिल रहा है, इससे पूछते हैं व्यापार हिंदुस्तान, गरीब को रोजगार मिल रहा है। वर्मा जी वो ये कह रहे हैं, एक मिनट सुमन शर्मा जी, आप ही का सवाल पूछ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रही हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को इस स्टेटमेंट पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? अगर वो ये कह रहे हैं कि रेप इन कैपिटल, अगर वो ये कह रहे हैं कि रेप इन इंडिया, तो उस पर क्यों माफी नहीं मांगनी चाहिए? ठीक है सुमन जी, सुनिए माइक बंद करें, अपनी सीडी जो चला रही है उसे रोक दे जरा, बुजुर्ग है ये। देखिए नरेंद्र मोदी जी अगर कोई बात 2013 और 2014 में कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों, मैं टीवी खोलता हूँ तो देश की राजधानी दिल्ली में वो रेप की कैपिटल हो गई है, मोहन भागवत जी कहते हैं रेप की कैपिटल हो गई है, तो वो चमत्कार है, आप लोगों ने कहा वो शानदार है। और अगर राहुल गांधी, अन्य कोई विश्लेषक और कांग्रेस का नेता अन्य समाज से भी ये बात कहता है, रेप इन इंडिया का मतलब क्या है? रेप इन इंडिया का मतलब है कि भारत में जो रेप हो रहा है तो वो हम रेप इन ब्रिटेन को ही कहेंगे, रेप इन पाकिस्तान को ही कहेंगे, रेप इन लंदन को ही कहेंगे, रेप इन अमरीका को ही कहेंगे। अगर इंडिया में, हैदराबाद में हो रहा है, यूपी में हो रहा है, तो रेप इंडिया ही तो कहेंगे। इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं, टेस्ट बना के कहेंगे, इतने इंटेलेक्चुअल लोग अगर हिंदुस्तान में होते उन्हें तो हिंदी मतलब समझ में आता है, वो समझेंगे ना, उसी का मतलब निकाला जाएगा। सैनी साहब ठीक है, वर्मा साहब प्लीज, पॉलिटिकल ठीक है, ठीक है, मैं सैनी साहब आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से वर्तमान परिस्थितियों को लेकर, आपको लगता है कि ये कामयाब हो पाएगी? सैनी साहब ठीक है सैनी साहब, ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, सोनिया गांधी जो है वो तीखे सवाल से पूछती है अर्थव्यवस्था को लेकर, वो पूछती है कि आखिर उन तमाम मामलों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए जिसे विपक्ष लगातार उठा रहा है, मसलन उन्होंने नोटबंदी के मसले का जिक्र कर दिया, और अब रेप इन इंडिया जैसा बयान सामने आना, ये तमाम चीज लगता है कि कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से रिवाइवल की सिचुएशन पर लेकर आएंगी। देखिए समाज में जो बीमारी है उसकी चर्चा करना तो कोई बुरी बात नहीं है, नंबर वन। नंबर टू ये कि जो बात अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं तब तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ये कहें कि हर रोज जब अखबार खोलते हैं तो मेक इन इंडिया के बजाय रेप इन इंडिया की खबरें पढ़ने को मिलती है, तो इसमें क्या गलत कह दिया? इसके लिए जिस तरह का बवाल मचाया जा रहा है वो बड़ा आश्चर्यजनक लग रहा है। जुमले इनके पास नहीं था सर, नहीं ये बिल्कुल गंभीरता से लेते तो अच्छा, समाज की बीमारी के बारे में। और देखिए सुमन जी प्लीज वक्त कम है, कम से कम जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है उनकी तो बात सुन लें, ठीक है बोले सैनी साहब। देखिए इश्यूज पे जो बात हुई थी उसमें राहुल गांधी के लिए इसको किसी तरीके से दोषी नहीं कहा जा सकता, उन्होंने सच कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं किसी भी हालत में, मतलब मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं हूं, तो इसका मतलब वैचारिक रूप से भी स्थापित करना चाहते हैं, तो बहुत सेंसिबल बातें हैं जिनका जवाब सेंसिबली दिया जाना चाहिए। और जिस तरीके से देश के हालात बने हैं वो सब जानते हैं, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी का क्या हाल है, ये पता नहीं कैसे खुश हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी अपने आत्मविश्लेषण किया करती थी, अपने आलोचना, यानी आत्ममंथन की जो जरूरत है वो बीजेपी के लिए भी है। बिल्कुल मैं संदीप जी आपसे समझना चाह रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी उस बात को कहते हैं वो गलत हो जाती है, और नरेंद्र मोदी उसी बात को कहते हैं तो वो सही कैसे हो जाएगी? ये जो वेंडेटा लेकर या फिर ये कहा जाएगा कि जिस स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ा जा रहा है ये सक्सेसफुल होगी, जाहिर है उन मुद्दों की बात अगर हो रही है तो बताइए। सुमित भाई मैं आपको बताऊं, दो लाइनों में समझाता हूं कि सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है, सियासत की दुकानों में रोशनी के लिए जरूरी है कि मुल्क मेरा जलता रहे। मैं आपको बताऊं ये टोटली पॉलिटिकल और जलाने वाली चीजें हैं देश को, जो जिस परिदृश्य में ये चीज एक टाइम पे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कही थी, वो भी एक आईना दिखाने की चीज थी सरकार को। आज के दौर में जिस तरीके से हम रोजाना रेप की घटनाएं सुन रहे हैं, आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश में एक रेप हुआ, बच्ची को जला के मारा, आज की बता रहा हूं, तो ये भी राहुल गांधी ने भी एक पॉलिटिकल रैली के अंदर उसी चीज को कैश करने के लिए, आप मैं तो कहूंगा कैश करने के लिए, क्योंकि जो गर्म मुद्दे होते हैं राजनीति में वोट पाने के लिए आप कुछ ना कुछ उसको यूज करते हो, उसी तरीके से ये बात राहुल गांधी ने प्लेटफॉर्म पे रखी है।
तो ये आज का सबको मालूम है कि एक ज्वलंत मुद्दा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कोई भी अपना मौका नहीं छोड़ता, जिस तरीके से उनको फायदा मिल सके दिखाना, हाँ, कैश करना नहीं उस टाइम पे, अगर उस टाइम पे अगर बयान करके सरकार अगर मैं वर्मा जी आपकी बात कहता हूँ, अगर ये सत्यता है और आईना दिखाना है तो उस टाइम पे मोदी जी ने आईना दिखाया, आज राहुल गांधी ने आईना दिखाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि राहुल गांधी ने गलत कर दिया या मोदी जी ने गलत कर दिया, देखो आईना दिखाना भी जरूरी है, मुद्दे उठाना भी जरूरी है, लेकिन इसको गलत तरीके से उछाल दिया गया मार्केट में। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ये समझना चाह रहा हूँ यहाँ पर सैरी साहब कि एक तरफ राष्ट्रवाद का मुद्दा जो लगातार हावी हो रहा है, जो लगातार बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट रहा है, उसमें उन तमाम चीजों को, क्योंकि गणित आंकड़े वो सामने रखे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, नहीं लगता है कि जो कॉमन आदमी है, जो नॉर्मल कॉमन मैन है, उसको वो गणित से ज्यादा ये समझ में आता है कि प्याज महंगी है, उसको ये ज्यादा समझ में आता है, उस पर बात करने की ज्यादा जरूरत है। इतिहास जो है लोगों को जल्दी समझ में आ जाता है जिस पर बीजेपी काम करती है, महंगाई समझ में आती है, बेरोजगारी समझ में आती है, मैं कह रहा हूँ महंगाई समझ में आती है, बेरोजगारी समझ में आती है, नोटबंदी समझ में आती है, ये सारी बातें बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आती है, उन्हीं की चर्चा की है, उनके उनको उन उनकी बात नहीं कि साहब पूरी दुनिया में हम जाने जाते हैं। अब हमारे सुमन जी तो मैसेज बिल्कुल साफ है कांग्रेस की तरफ से कि मुद्दा जो है वो राष्ट्रवाद के अलावा महंगाई, बेरोजगारी और घटती जीडीपी की तरफ जाएगा। ये आंकड़े तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से लेकर नेशनल की जो तमाम एजेंसियां हैं उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में सेंट्रल जो एजेंसीज है आरबीआई है वो बताते हैं कि जीडीपी को लेकर आपकी क्या स्थिति है, उसी लेकर तो कांग्रेस सवाल पूछ रही है। सरकार ने तत्परता से अपने कदम उठाए, जयपुर में निर्यात हो रहे थे उसको बंद किया गया, और जयपुर में 80 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, 150 रुपए तक किलो प्याज भी किया है इस देश में, रसद मंत्री ने छापे मारे पकड़ लिया, गरीब की छापे मारे पकड़ लिए। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार अब जिस तरीके की कोशिशें कांग्रेस की तरफ से हो रही है उसमें यह देखना है कि वो कितनी कारगर अपनी इस रणनीति को लेकर हो पाती है, क्योंकि कहा यह जा सकता है कि राहुल जिस तरीके से आज नजर आए हैं उसे लेकर 2024 को लेकर एक विजन के साथ कांग्रेस की तरफ से आगे बढ़ा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। तो न्यूज एंड व्यूज में आज जिस तरीके से आपने राहुल गांधी का नया अवतार देखा है उस पर लोगों की क्या कुछ राय है, क्या राहुल गांधी एक बार फिर से कमान संभाल सकते हैं कांग्रेस की, जिसमें 55% लोगों का कहना है हां और 45% का नहीं। न्यूज एंड व्यूज में आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए जी राजस्थान के साथ, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करना ना भूलें, www.zirajasthan.com पर। नमस्कार।